लक्ष्य अभी वॉकिंग कर रहा है। डैडी की छुट्टी है आज, तो आज लक्ष्य का क्या प्लान है? अपन से लाने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। ये सारी प्लानिंग है आज, पेंसिल लानी है, पढ़ाई करनी है और खेलना है, ये आज की प्लानिंग है लक्ष्य की। और संडे की तो बहुत सारी प्लानिंग करके रखी है। लेकिन स्केट्स मुझे बर्थडे पे चाहिए। स्केट्स चाहिए बर्थडे पर? रेडी बना कर रहे हैं, वो ना डांस क्लास होती है ना उधर पे सीखना होता है। ओके। अभी नहीं मंगा रहे हो स्केट्स, बाद में बर्थडे पे चाहिए आपको। बर्थडे पे तो और भी गिफ्ट्स आ जाएंगे। मैं नाम ले दे लक्ष्य दादी से बात कर। हाँ। तो लक्ष्य अपनी दादी से बात कर रहे हैं। गाइस, तो आज मैं बना रही हूँ गोभी के परौंठे। तो इसमें गोभी है और मैंने ऑलरेडी इसमें मसाला मिक्स कर दिया है। मसाले में मैंने डाला है इसमें धनिया, सूखा धनिया और नमक और आपका अमचूर पाउडर, बस ये तीन मसाले। अब मैं इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च, धनिया, ग्रीन धनिया अब इसमें और डाल रही हूँ मैं। ये मेरा मसाला रेडी हो गया है। तो आज के नाश्ते में स्पेशल जो है वो गोभी के पराठे और लस्सी। ये लस्सी मैंने रेडी करके रखी हुई है ऑलरेडी। तो संडे स्पेशल मैं आज बना रही हूँ यही गोभी का पराठा हो जाएगा और लस्सी हो जाएगी इसके साथ, क्योंकि मौसम जब ऐसा हो, विंटर का मौसम हो और परौंठे ना हो गोभी के, तो बात ही नहीं बनती। तो चलो मैं बनाती हूँ इनके गर्मा गर्म परौंठे। मम्मी आप खाओगे पहले एक कोने दो, आप खा लो पहले, लो जी। तो ये हो गई लक्ष्य के डैडी की थाली बड़ी, मक्खन पराठा, गोभी के पराठे। इसी सिंपल ट्रिक से बनाइए और सबको खिलाइए। बहुत ही यानी टेस्टी बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं ज़्यादा मसाले डालूँ तभी जाके ये टेस्टी बनेंगे। सिंपल तरीके से बनाओ। मैं हमेशा इसी तरीके से पराठे बनाती हूँ, गोभी के हो गए। हाँ, मूली के मैं ज़रा थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। अगर मैंने बनाए मूली के परौठे तो मैं बताऊँगी मैं किस तरीके से बनाती हूँ, उसका मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगी मूली के परौठों का। तरीके से लोई भर लो, देखो बिल्कुल भी नहीं फटती है और बहुत ही अच्छे, बहुत सिंपल और इजी तरीके से परौठे रेडी भी हो जाते हैं। गर्मा गर्म परौठे बनाओ, साथ साथ में खिलाते रहो। ये देखो रखेंगे मक्खन की स्लाइस, तो
है। पराठों में मेन चीज यही होती है कि आपका मसाला किस तरीके से बन रहा है। मसाला अगर जितना टेस्टी होगा पराठे उतने ही टेस्टी बनेंगे। सिंपल फंडा है पराठों का, इसके अलावा पराठों में और कुछ भी नहीं है कि आप इतने सारे मसाले डाल दो उसके बाद अच्छे बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल आप उसमें मसालों की क्वांटिटी कैसे कैसे डाल रहे हो वो ही एक मेन फंडा होता है इसमें। लगा रही हूँ मम्मी की थाली, लस्सी, देखो कितने इजी तरीके से ये हो रही है। हाथ से भी आप बना सकते हो इसको। चलो तो मैं मम्मी को भी देख कर आती हूँ। मम्मी माथे में क्या है आपका? ये देखो लक्ष्य और आर्यन को पार्क में भी चैन नहीं है और यहाँ पे लक्ष्य चलाओ। देखो लक्ष्य यहाँ पहुंच गया, वो देखो आर्यन को वहीं पे अटका हुआ है वो। डुगू की साइकिल, अरे डुगू की साइकिल पे किसी और ने कब्जा कर लिया। डुगू बाहर नहीं जाना। चॉकलेट के ऊपर भी हो रहा है कि फर्स्ट तू खा फर्स्ट तू खा। दोनों साथ साथ के देख रहे, दोनों साथ साथ खाएंगे अभी चॉकलेट। वाह भाई वाह। ए 1 2 3 ए, सही से खाओ छी लक्ष्य, सही से खाओ। ए लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो ये देखो लक्ष्य और इनको दोनों को कितने वो हो रखे हैं। एक चॉकलेट को खाने के लिए भी ना इनको कंपटीशन में था, एक चॉकलेट भी कंपटीशन में थी है लक्ष्य। ये देख तो आज ईशा भी आई हुई है। ईशा बोल कुछ। हेलो। ईशा की हंसी नहीं बंद होगी। हेलो ईशा। आज ईशा बहुत दिनों के बाद ब्लॉग में नजर आई है और आज ईशा फर्स्ट टाइम पार्क में आई है ना? फर्स्ट टाइम है ना? सेकेंड और थर्ड टाइम। अच्छा तो ये थर्ड है या सेकंड है? सेकंड। थर्ड टाइम कब हो गया? वीडियो में आते ही कंफ्यूज हो गई।
इतनी देर साइकिलिंग करने के बाद अब इनको पकड़ा पकड़ी, जब घर जाने का टाइम हो गया तब इनको पकड़ा पकड़ी का गेम वो हो गया है। लक्ष्य गिर नहीं जाना किसी बच्चे के ऊपर, धीरे भाई। तो अब ये देखो इनका गेम, ये देखो डिग्गू भी आ रहे हैं पीछे पीछे। आ जाओ, आओ जल्दी आओ। पकड़ा पकड़ी, भागो भागो भागो। डिग्गू शूज नहीं खोलो, शूज मत खोलो तुम। ये देखो डिग्गू को, हाँ भागो 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 भागो। अयो सुसु कर दी। चलो फिर घर चलेंगे। लो डुगू ने सुसु कर दी, चलो घर चलते हैं भाई। लक्ष्य चलो घर चलेंगे बेटा, आज आ रहे हैं घर चलेंगे। चलो हे गाइस, तो आज का ब्लॉग हम खत्म करते हैं। हम आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं इन दोनों की मस्ती के साथ। आज बहुत दिनों के बाद ये पार्क में मस्ती मामे के लिए आए हुए थे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। और ब्लॉग आपको पसंद आया है, आज छोटा ही मैंने थोड़ा ही ब्लॉग बनाया है तो उसके बाद अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।